अब सरकार शर्म के मारे जरा घबराई हुई है, ठीक है। अब थोड़े दिनों में आदमी जब गलती कर लेता है तो घबराहट हो जाती है, मुंह दिखाने लायक कहता है कि दिखाऊंगा, हल्के हल्के सद्बुद्धि देगी। रकाबगंज के हठग्रंथी जी हैं, उन्होंने पूरा मोदी जी को समझाया वहाँ पर, आपने सुना होगा, दोया सुनाया गुरु ग्रंथ साहब का, उनको पूरा बताया, उनकी समझ में ना आए तो भाई ये तो उसकी फिर किस्मत की बात है या उनकी किस्मत ही बीजेपी वालों की खराब है। दोस्तों नमस्कार, मैं बैठा हूँ दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पे, और जहाँ पे हमारे अन्नदाता जो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा हमारे किसान भाइयों ने फैसला किया कि अब किसान भाई क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया है आज से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अनशन पे बैठे रहेंगे सरकार के नीतियों के खिलाफ, और अपनी मांग को, जो मांग उनकी है 3 बिलों को रद्द कराने के लिए, उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो आज मैं गाजीपुर दिल्ली यूपी बॉर्डर पे आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे खुले आसमान NS-24 के ऊपर हमारे किसान भाई इस ठंड में बैठे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 70 साल के किसान भी हैं, 90 साल के किसान भी हैं, 80 साल के किसान भी हैं, और नौजवान भी हैं, और हर एक एक किसान अपने हक के लिए पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बैठा हुआ है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हम बात करते हैं तेंद्र भाजी, आज किसान भाई हमारे आज से अनशन शुरू कर दिया, क्रमिक अनशन शुरू किया है, लेकिन जिस तरह से सरकार ये संवेदनहीनता दिखा रही है किसानों के प्रति, ये अपने आप में एक बहुत ही इतिहास में किस अक्षरों में लिखा जाएगा ये बहुत कहना मुश्किल है आज की डेट में। हाँ बिल्कुल, ये इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा और ये इतिहास का एक अंग बनेगा। आपने जैसा कहा कि आपने कर्मिक अनशन शुरू किया है, कर्मिक अनशन एक उपवास जो है कहीं साधना और जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ चीज़ है कि कहीं ना कहीं ईश्वर को मनाने का और ईश्वर के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का भी एक जो है ईश्वर में आस्था का भी एक कर्मिक अनशन हिस्सा है। हमारे महापुरुषों या और नवरात्रे आते हैं तो हम जो है उपवास रखते हैं, तो उपवास हम रख कर ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर भी जो है हमारे किसानों की बात को मान कहीं जो है अपने कहीं जब देखते हुए दृष्टिगत रखते हुए इस जो जिद्दी सरकार है, जो हटपर सरकार है, जो जुल्म की सरकार है, उस सरकार को कहीं सद्बुद्धि दे और ईश्वर करे कि इनको कहीं सद्बुद्धि आ जाए। आज अन्नदाता खुले आसमान में सड़क पर बैठा है, 2.5 महीने हो गए आंदोलन को करते हुए, 26 दिन दिल्ली में डेरा डाले हो गए हैं, और इसी के साथ आज कर्मिक अनशन जो रोटेशन में चलेगा दिल्ली के 5 मोर्चों पर जो है देश का अन्नदाता कर्मिक अनशन पर बैठ गया है। रोज 11 लोग बैठेंगे और रोटेशनल बैठेंगे, अनशन जारी रहेगा, चरणबद्ध तरीके से हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर जो किसान दिवस है उस दिन जो है हमने आह्वान किया है किसान संगठनों ने कि देश के लोग एक दिन के लिए एक समय का भोजन त्याग कर इस आंदोलन का हिस्सा बने, अपनी आहुति दें इस आंदोलन के अंदर। उनका एक दिन का अन्न त्यागने से जो लोग इस आंदोलन में नहीं आ सके वह भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और उनकी सपोर्ट हमें मिलेगी और सरकार पर नैतिक दबाव बनेगा, ये एक इस आंदोलन का भी हिस्सा है। अभी किसानों ने फैसला किया कि जो मोदी साहब 27 तारीख को मन की बात करते हैं अगर, तो उसका ताली थाली बजा के विरोध किया जाए, और ताली थाली तब तक बजाया जाए जब तक मोदी साहब मन की बात करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हमने ये निर्णय किया है कि जो मोदी जी जो मन की बात करते हैं पर लेकिन हमारी सुनते नहीं हैं, वो अपनी मन की बात बताते हैं। जब किसी को बात बतानी है तो उनसे पूछना भी चाहिए किसान कहाँ पर हैं, 2 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर यहाँ पे 1 महीने के समथिंग यहाँ पे होने जा रहा है, आसमान के नीचे सो रहे हैं किसान। जो मोदी जी हैं इनको, ये हमसे बने हुए हैं, हम उनसे नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी वो हमने बनाया है, वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। उनको सोचना चाहिए कि गरीब किसान मजदूर, ये देखो कितने बुजुर्ग हैं, 70 साल के 80 साल के किसान बैठे हुए हैं सर्दी में, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्होंने कभी भी 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा अपनी मन की बात में। ये भी तो कह सकते हैं, किसानों के बारे में भी बता सकते हैं कुछ, लेकिन मेरी बेनती यही है मोदी जी से, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये तीनों काले कानून वापस लें और MSP गारंटीड कर दें तो हम उसी टाइम 1 घंटे में अब हम सभी वापस चले जाएंगे। देखिए, सरकार को भी अब नज़र आ रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है इस जो उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है समर्थन के में रैलियाँ कर रहे हैं वो, तो उसमें बीजेपी के लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं,
वो लोग किराए के लोग लेकर के वहाँ पे बैठ रहे हैं ज़बरदस्ती, और 3-4 घंटे से ज़्यादा उनका प्रोग्राम नहीं चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल। तो सरकार के ऊपर बहुत दबाव वो समझ रहे हैं, लेकिन अडानी और अंबानी के दबाव में ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और इनको आखिरकार ये किसानों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज पूरा देश का किसान ये अगर ना ट्रेनें चला दें और ये अगर रोके ना, तो मेरे ख्याल से दिल्ली के आसपास के इलाके में भी, दिल्ली में तो रहेगी रहेगी, दिल्ली के आसपास के इलाके में भी पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, पूरा देश का किसान यहाँ पर जमा हो जाएगा। 3 डिग्री टेम्परेचर रात को, ये NS-24 का हाईवे, सर्द रातें, सर्द हवा, बर्फीली हवा, लेकिन अपने आप लड़ाई को जिस तरह से किसान भाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सरकार ऐसा दिखा रही है कि इनको किसाने का कोई फिक्र नहीं है, जबकि मोदी जी तो गरीब का बेटा होने का दावा करते थे, किसानों का बेटा होने का दावा करते थे। हमारे 33 किसान भाइयों की जान जा चुकी है अभी तक इस लड़ाई में, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, सरकार रोज़ देख रही है जो कुछ बॉर्डर पे हो रहा है, सभी बॉर्डर देख रही है सरकार, ऐसी नहीं है कि अंधी हो गई है, लेकिन अब जो कोई गलती कर लेता है ना कभी, तो शर्म से गांव में हमारे वो कई दिन मुंह नहीं दिखाता कि ऐसी गलती हो गई है, भाई मैं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो सरकार तो अब बेशर्मी के लिए मुंह दिखाना नहीं जा रही है, सरकार को सब पता चल गया है कि हमारा मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है, किसान अब अपनी मजबूती के लिए घर से निकल चुका है, किसान अपने हकों की लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ेगा, अब किसान ने सरकार पर भरोसा छोड़ के अपने ऊपर भरोसा लेके किसान बड़ी मजबूती से सड़कों पे आ चुका है, अब सरकार मान, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, सरकार किसान मानने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो, अब लड़ाई आर पार की है, अब सरकार शर्म के मारे जरा घबराई हुई है, ठीक है, अब थोड़े दिनों में आदमी जब गलती कर लेता है तो घबराहट हो जाती है, मुंह दिखाने लायक कहता है कि दिखाऊंगा, हल्के हल्के सद्बुद्धि देगी, सद्बुद्धि आ जाएगी, भगवान सद्बुद्धि इनको देगा, तो जब सद्बुद्धि भगवान इनको बख्शेगा तो अपने आप ये किसान से बात करें। मोदी साहब गुरुद्वारा तो जाते हैं, जाना अच्छी बात है, कोई भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल ये है कि जो किसान रोड पे बैठे उनके बीच भी तो उनको आके उनको अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भगवान का ही तो सारी फलवाड़ी है, वो यहाँ भी भगवान है, गुरुद्वारे में भी भगवान है, तो वो तो भगवान ने, गुरु नानक ने तो ये कहा है, सबसे पहले तो मेरे जो अन्यायी हैं, जो इंसाफ है, सबसे बड़ा इसको ही बताया, गुरुद्वारे जाने से पहले हम रोज़ गुरुद्वारे जाएं, हम रोज़ मंदिर जाएं, हम रोज़ मस्जिद जाएं, जब तक हमारी नीयत साफ नहीं है। जो रकाबगंज के हठग्रंथी जी हैं, उन्होंने पूरा मोदी जी को समझाया वहाँ पर, आपने सुना होगा, दोया सुनाया गुरु ग्रंथ साहब का, उनको पूरा बताया, उनकी समझ में ना आए तो भाई ये तो उसकी फिर किस्मत की बात है, या उनकी किस्मत ही बीजेपी वालों की ख़राब है। गुरु ग्रंथ साहब का पंक्ति, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी उन्होंने, हठग्रंथी रकाबगंज सिंह ने बड़े साफ साफ लफ्जों में मोदी जी को सुनाई है। तो अब देख सकते हैं हमारे साथ ये किसान भी बैठे हुए हैं, और जिस तरह से अनशन के ऊपर में इस सर्द रातों में हमारे सारे किसान भाई बैठे हुए हैं, और हमारे साथी को बोलूँगा आप जरा सब पूरा सबको दिखाइए, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे NS-24 पे हमारे किसान भाई जो आज से अनशन शुरू किया है, क्रमिक अनशन शुरू किया है, जिसके तहत इनका कहना है कि हम ऊपर टेंट भी नहीं लगाएंगे और खुले में ही आज की रात गुजारेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे, और ये क्रमिक अनशन है। तो जिस तरह से अपने आप को ये यातना दे के कह सकता हूँ कि अपने विरोध को प्रकट कर रहे हैं, ये इतिहास में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं फिर दोबारा आपको दिखाऊंगा यहाँ के कुछ दृश्य, और माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे नेट काम नहीं करने दिया जाता, आप लाइव करेंगे तो लाइव में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पहले मैं लाइव आता रहा हूँ, तो इनकी आवाज़ को आप लोग भी आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, और इस लड़ाई में किसानों के साथ अगर आप खड़े हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, तो इस लड़ाई में इनके साथ खड़े रहिए, और आप जो भी कर सकते हैं इनकी आवाज़ को ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें ही मदद कीजिए, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।